हरियाणा प्रदेश में लंबे समय से चाहे नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव हों, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हों, जिला परिषद के चुनाव हों, ब्लॉक समिति के चुनाव हों, सरकार जानबूझ के अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव को टालने का काम कर रही है। बार बार मांग करने के बाद पंचायतों के चुनाव नहीं करवाए जा रहे। इसी कड़ी में 27 तारीख हाईकोर्ट में लगी हुई है जो लोकल बॉडीज के शहरों के चुनाव हैं। यदि सरकार का रुख ठीक हुआ तो 27 तारीख के बाद चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं, और जो इनकी गतिविधि हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, उससे भी ये महसूस होता है कि इस बार ये चुनाव करवाने के मूड में है। तो उसी सिलसिले में 80 में भी चुनाव होने हैं, 80 नगर परिषद के। उसकी तैयारियों के लिए आज की इस मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर से हमारे जो मुख्य कार्यकर्ता हैं वो सारे शामिल हैं, साथ ही साथ हमारे जिला प्रधान जिनकी अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है, सतबीर साय जी हमारे प्रभारी हैं, अलका के भी प्रभारी हैं, इस चुनाव के भी प्रभारी हैं, सुनील लांबा जी अलका अध्यक्ष हैं, बिरवाल साहब हमारे कुलबीर जी प्रत्याशी थे, ये हमारे एससी सेल के जिला अध्यक्ष हैं, महिला सेल की जिला अध्यक्ष हैं, अलका अध्यक्ष हैं हमारी वुमेन विंग की, जैन साहब हैं हमारे जो मुख्य स्तंभ हैं शहर के। बताइए सर, चेयरमैन का चुनाव तो आपने कहा दिसंबर को करना, क्या पार्षदों को भी टिकट दी जाएगी इसमें? ये सारी चीजें विचार करने के लिए ही ये मीटिंग बुलाई गई है। इसके बाद प्रेस नोट आपको मुहैया करवाया जाएगा, उसमें सारी जो बातें हम डिस्कस करेंगे वो आप तक पहुंचा दी जाएंगी। इनेलो का चेहरा कौन होगा हाथी में नगर परिषद का? अभी तक कोई चेहरा निकल कर सामने नहीं है। अभी हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, प्रभारी जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी शहर में गए हैं कई जगह, जो भी कोई अच्छी छवि का प्रत्याशी लगेगा उसको मौका देने का काम करेंगे। पूरी जितनी मजबूती से हमेशा इंडियन नेशनल लोकतंत्र पार्टी चुनाव लड़ती आई है, उसी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया जाएगा। चुनाव में देरी क्यों हो पा रही है? दिन ब दिन चुनाव की तारीख आगे आगे दे दी जाती है, क्या कारण मानते हैं कि चुनाव में देरी क्यों हो पा रही है अभी तक? अफसरशाही के माध्यम से ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। जब जनप्रतिनिधि चुन के आ जाएंगे अपने अपने वार्डों में, अपने अपनी नगर परिषद में, अपने अपनी नगर पालिका में और पंचायतों में, जिला परिषदों में, ब्लॉक समितियों में, फिर वो अपने हिसाब से काम करेंगे, लोगों की समस्याओं के हिसाब से काम करेंगे, और जो सीधे टेंडर ले गए इन्होंने लूट मचा रखी है वो इनकी लूट बंद हो जाएगी। इस लूट में अफसरशाही के लोग, राजनीतिक लोग सब आपस में मिले हुए हैं, इसलिए बार बार इन चुनावों को आगे खिसकाने का काम किया जा रहा है। आवाज हमेशा ही उठाई है, आज भी उठा रहे हैं आपके सामने। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कांग्रेस जो है दिन ब दिन नए नए प्रदर्शन करते हैं, इसका रोष कर रहे हैं, लेकिन इनेलो की बात करें, इनेलो ने आज तक ना कोई प्रदर्शन किया ना कोई रोष किया है इस बारे में, महंगाई के बारे में। महंगाई के बारे में समय समय पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी आवाज उठाने का काम करते रहे हैं और आगे भी उठाने का काम करते रहेंगे। जनता को ये मैसेज देना चाहेंगे, आप ऐसा अपना प्रतिनिधि सुनो, चाहे वार्ड की बात है और चाहे नगर परिषद की बात है, जो आपके बीच में रहे, आपका सुख दुख का साथी हो, आपकी समस्याओं का जानकार हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, ऐसे प्रत्याशी को अपना वोट देने का काम करें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि जिस प्रत्याशी में सारी खूबियां हों, ये गुण हों, उसको हम यहाँ से चुनाव लड़वाने का काम करें। आज की जैसे आगामी आने वाले समय में नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें हमारा 80 नगर परिषद भी उसमें आता है, और आज की जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के आदरणीय हमारे उमेश लोहानी जो स्टेट के हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, तो उनकी अध्यक्षता में आज की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है,
ताकि हम नगर परिषद के जो आगे वाले चुनाव हैं और जिस तरह से मौजूदा हालात हैं, परिस्थितियां हैं, चाहे वो मौजूदा बीजेपी सरकार, जसपा सरकार की बात ले लें, चाहे पिछले दिनों जो कांग्रेस की ले लें, चाहे दूसरी और राजनीतिक पार्टियां हैं, किस तरह से उन्होंने जो एक आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें थी, समस्याएं थी, किस तरह से चाहे वो महंगाई की बात है, चाहे भ्रष्टाचार की बात है, चाहे कानून व्यवस्था की बात है, किस तरह से पीछे धकेल दिया गया है, नहीं कोई सुनवाई हो रही है, अधिकारी जितने हैं वो बेलगाम हो रहे हैं। अगर हम नगर परिषद का उदाहरण उठाकर देख लें, उसकी कार्य प्रणाली पर, चाहे करनाल की बात ले लें, चाहे पानीपत की बात ले लें, चाहे पड़ोस में लगता है हमारा भिवानी जिले की बात ले लें, खुद नगर परिषद का चेयरमैन भी किस तरह सलाखों के पीछे पड़ा है। और उदाहरण के तौर पर सभी अखबारों में ये बातें आई थी कि वहाँ 14 करोड़ रुपए का तो सीधा एक जो भास्कर अखबार में फ्रंट पेज पे भी आई थी कि किस तरह से 60% तो खुद चेयरमैन ने रख लिया, 20% उठा के अधिकारियों ने रख लिया और रेस्ट ऑफ द 20% जो ठेकेदार जिन्होंने झूठे बिल बढ़ाए। हैरानी की बात है, हमने आटे में नमक सुना था। अगर ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे बीच में आ रहे हैं नगर परिषद के कि उल्टा काम हो रहा है, नमक में आटे वाली बात आ रही है, इतना करप्शन, इतनी अरे खून पसीने की मेहनत की कमाई होती है, किस तरह से टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में गरीब से गरीब आदमी देता है और किस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है। इन सभी बातों को देखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जो किस तरह से अगर पुराना चौधरी देवीलाल के समय का हम इतिहास उठाकर देख लें तो सही मायने में आम आदमी की पार्टी रही है, आम आदमी की भावनाओं को सदैव उन्होंने उठाया है, चाहे वो उस टाइम के पुराने हालात देख ले, छोटे छोटे चाहे ट्रैक्टर पर, इन पर, छोटी छोटी चीज़ों पर टैक्स हुआ करते थे, ये चाहे आज आम आदमी भी क्या सभी पार्टियां उन चीज़ों का अनुसरण कर रही हैं, चाहे पेंशन ये जैसी योजना है, कर्ज माफ़ी जैसी योजना है, हमारे हरिजन बैकवर्ड भाइयों के लिए अलग से नंबरदारी प्रथा शुरू करी थी, उनके लिए चौपालें अलग बनाई थी ताकि उनको भी समाज में मान सम्मान मिले। अगर सही मायने में आम आदमी से कोई जुड़ी हुई पार्टी है, चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। किस तरह से पिछले दिनों आदरणीय अभय सिंह जी ने किस तरह से संघर्ष करके, लड़ाई लड़के किसानों को न्याय दिलाने का काम किया था, अगर उसमें से सबसे बड़ा अगर कोई सारे हरियाणा ही प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में अगर किसी का योगदान जाता है तो वो अभय सिंह को जाता है कि किस तरह से उन्होंने वहाँ जाकर समर्थन दिया और अहम भूमिका निभाई है अपने ये जो 3 कृषि कानून थे उनको वापस कराने में। सभी उसी संदर्भ में तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सबसे बड़ी जरूरी चीजें ये थी कि किस तरह से ये करप्शन और घोटाले हो रहे हैं, हम एक अच्छी छवि को ले आके दें, किस तरह से पार्टी के हमारे जो, चाहे अगर पुराना उदाहरण उठाकर देख ले, आदरणीय चौटाला जी की सरकार थी तो जिस टाइम में, उस टाइम में भी ऐसी ऐसी चीजें आगे आती थी तो उन्होंने एक पंचायतों से भी अलग हटकर, पुराना इतिहास उठाकर देखें, एक कमेटियां बनाई थी और उस कमेटी का हेड होया करते थे अपने एक्स सर्विसमैन जो हमारे एक्स फौजी थे, उनके उसमें अगुवाई में सारे इसके डेवलपमेंट के काम होया करते और उनका तो एक ही मकसद होता था कि ये करप्शन को किस तरह से खत्म किया जाए। इसीलिए हमारे सबसे ज्यादा विश्वास किया था हमारे फौजी भाइयों पे और सभी, चाहे ग्रामीण क्षेत्र था चाहे शहरी क्षेत्र था, उनको इसके लिए बनाया करता था, आप उनकी निगरानी रखी गई थी और यही चीजें आज महसूस हुई है। इसीलिए इंडियन नेशनल लोकदल ने फैसला कराया कि हम शहरी क्षेत्र में आएंगे और लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे, उनको एक अच्छा प्रशासन देने का काम करेंगे ताकि आगे आने वाला समय आम लोगों का हो, हमारे जितने शहरी क्षेत्रों का हो। आज की जो मीटिंग आपने रखी इसमें क्या निर्णय लिए जाएंगे और आने वाले समय में हाथी में चुनाव होने वाले नगर परिषद के, तो आपकी पार्टी किस प्रकार से कार्य करेगी? आज की हमारी इसीलिए समीक्षा बैठक थी आदरणीय हमारे लोहान साहब के नेतृत्व में कि आगे पार्टी को कैसे बढ़ाया जाए। अभी जैसे पिछले दिनों सभी जितने भारी कॉलोनियां हैं उसमें पार्टी की तरफ से सभी वरिष्ठ साथियों ने, हमारी महिला विंग ने भी सभी जगह मिले हैं सबसे और सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, खासकर हमारी भारी कॉलोनियों में। तो इसलिए हर आदमी ये महसूस करता है अगर सही मायने में आज कोई दिखाई देता है नेता या पार्टी जो उठकर आवाज़ उठा सकती है, लोगों को न्याय दिला सकती है, तो वो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। आज इंडियन नेशनल लोकदल हल्का हंसी इकाई की जाट धर्मशाला में मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में पार्टी के हलका के सभी वरिष्ठ साथीगण, हमारे जिला के प्रभारी उमेश रवान जी,
हांसी हल्का से पार्टी के प्रभारी और इस नगर परिषद चुनाव के भी जिम्मेवारी पार्टी ने जिनको दी श्री सुनील लांबा जी, हांसी हल्का के अध्यक्ष अजीज यशपाल बेरवाल जी, हांसी के शहरी अध्यक्ष भाई अमित जैन जी, बहन ललिता टाग जी हमारी जो महिला की बड़ी जुझारू जिला अध्यक्ष है, सुमन बेरवाल जी, भाई बिट्टू पसरीजा जी, भाई कुलबीर बामल जी, भाई सभी साथी, आज नगर परिषद का जो चुनाव होने जा रहा है, सरकार जब भी डेट डिक्लेयर करेगी, हांसी हल्के के सभी साथी इस बात के लिए आज विचार विमर्श कर रहे हैं भाई पार्टी का कौन प्रत्याशी हो, पार्टी किसको चुनाव लड़ाए और पार्टी संगठन को और तरीके कैसे ज़्यादा मजबूत किया जाए। पार्टी हांसी में अपना प्रत्याशी उतार कर उसको अच्छे मतों से विजय दिलवाने का काम करेगी और जहां इंडियन नेशनल लोकदल है वहीं किसान मजदूर का नाम है, छोटे व्यापारी कर्मचारी का नाम है और पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों का साथ लेकर सबका विकास करने का काम किया और आगे भी पार्टी अच्छा प्रत्याशी उतार कर यहाँ से हांसी में पार्टी प्रत्याशी चेयरमैन को जितवाने का काम करेगी।